नमस्कार साथियों, आप सबका शिक्षा देश चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बौद्ध कालीन शिक्षा या बौद्ध दर्शन के विषय में अध्ययन करेंगे। बौद्ध कालीन शिक्षा से पहले हम लोग वैदिक शिक्षा पढ़े थे। वैदिक शिक्षा में आपने देखा था कि वैदिक शिक्षा दो भागों में विभक्त थी, प्रारंभिक वैदिक शिक्षा और उत्तर वैदिक शिक्षा। उत्तर वैदिक काल में हमने बताया था कि उस समय वर्ण व्यवस्था काफी कठोर हो चुकी थी और ये भी आरोप लगाया जाता है कि वैदिक उत्तर वैदिक काल में एकाधिकार हो गया था, कुछ लोगों का एकाधिकार हो गया था, जिससे बहुत सी कुरीतियां, बहुत से अंधविश्वास को ज्यादा महत्व देकर और जो कुछ अच्छा लगता था वही बताया जाता था, सबको उसी का पालन करना होता था। इन्हीं कुरीतियों, इन्हीं अंधविश्वासों, इन्हीं एकाधिकार और इस कठोर वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कर्मकांडों की जो अति हो गई थी उसको समाप्त करने के लिए बौद्ध शिक्षा, बौद्ध दर्शन, बौद्ध कालीन धर्म या बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव होता है, उत्पत्ति होती है। 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में बौद्ध का मतलब बुद्ध से है। बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म होता है और इनके जन्म के पश्चात आप सब जानते हैं, गौतम बुद्ध के विषय में आप सब पढ़े भी होंगे। 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक ये बौद्ध दर्शन, बौद्ध कालीन शिक्षा का समय माना जाता है। हमने चर्चा किया था वैदिक कालीन शिक्षा 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, 2050 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक बौद्ध काल कहा जाता है। बौद्ध काल वैदिक शिक्षा का जन्म, कठोर वर्ण व्यवस्था, कर्म कांडों की अति और एकाधिकार, जो उत्तर वैदिक काल की विशेषता हो गई थी उसके फलस्वरूप होता है। बौद्धकालीन जो शिक्षा व्यवस्था है वो बौद्ध दर्शन, गौतम बुद्ध के विचार से संबंधित है। उनका जो दर्शन है, जो धर्म है, उस पे तो हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप बौद्ध दर्शन को विस्तृत पढ़ सकते हैं, हमारा इसके पहले वीडियो बना भी है। आज हमारा जोर ज्यादा बौद्धकालीन शिक्षा पे है। धर्म के विषय में हम सिर्फ इतना कहेंगे कि 4 आर्य सत्य जो बताए गए हैं उसी पर सारी व्यवस्था निर्भर है। जो 4 आर्य सत्य बताए गए हैं आप तब सुने भी होंगे, संसार में दुख है, संसार में दुख है, और दूसरा है संसार में दुख का कारण है, तीसरा, जो तीसरा आर्य सत्य है वह है दुख का निवारण है,
दुख का निवारण है, और इस दुख के निवारण के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। निवारण के अष्टांगिक मार्ग है। अब आपको जानना है कि निवारण के जो अष्टांगिक मार्ग है वो क्या है, तो संक्षेप में हम आपको बता दें, इस दुख के निवारण के लिए गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं, और उस 8 मार्ग का पालन अगर कर लिया जाए तो इस संसार में, दुखमय संसार से मुक्ति मिल सकती है, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। वो अष्टांगिक मार्ग है, नंबर 1 सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक वाक तीसरा है। चौथा मार्ग क्या है, सम्यक कर्म। पांचवा सम्यक आजीव का मतलब आजीविका से, सम्यक आजीविका, सम्यक भाव छठवां है, सम्यक भाव, सम्यक स्मृति, और 8वां जो अंतिम मार्ग है वह है सम्यक समाधि। ये कुल 8 मार्ग बताए गए, 8 मार्ग, 8 मार्ग निवारण के, दुखमय संसार में निवारण के 8 मार्ग बताए गए हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव आजीविका, सम्यक भाव, दूसरों के प्रति हम जो भाव रखते हैं वह भी अच्छा होना चाहिए, सम्यक स्मृति, और लास्ट है सम्यक समाधि। ये है 8 मार्ग, इसका पालन होना चाहिए। इसके अनुसार जो शिक्षा की व्यवस्था बनाई गई है उसको हम बौद्धकालीन शिक्षा कहते हैं। इन्हीं 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के अनुसार सारी व्यवस्था संचालित होती है। जो सर्वप्रथम उपदेश दिए हैं इस आर्य सत्य का, वह स्थान परीक्षा में पूछा गया है, उपदेश कहां दिए हैं, इसमें आप सब जानते होंगे, वाराणसी के पास सारनाथ, जो सर्वप्रथम उपदेश दिया गया है, वाराणसी से 8 किलोमीटर सारनाथ। ये बौद्धकालीन शिक्षा इस पर निर्भर है। बौद्धकालीन शिक्षा के साथ ये जो शिक्षा व्यवस्था इस पर आधारित है, इसके साथ साथ वैदिक कालीन शिक्षा भी संचालित थी। ऐसा नहीं है कि वैदिक कालीन शिक्षा समाप्त हो गई तब बौद्धकालीन शिक्षा प्रारंभ होती है। वैदिक कालीन शिक्षा भी साथ साथ संचालित हो रही थी, लेकिन प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता दोनों शिक्षाओं में होती रहती थी। बौद्धकालीन शिक्षा के साथ साथ वैदिक कालीन शिक्षा की संस्थाएं जो है वह भी ज्यादा संख्या में खुल गई, जो सिर्फ जंगलों में
वैदिक काल शिक्षा संचालित होती थी आश्रमों में, वो जगह जगह शहरों नगरों में भी संचालित होने लगी, ज्यादा सरल बनाया जाने लगा। एक प्रतिस्पर्धा के रूप में ये संचालित थे। और बौद्ध कालीन शिक्षा कभी भी वैदिक कालीन का विरोध नहीं किया, क्योंकि इनकी एक विशेषता यह भी है, विरोध करना निषेध है। जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसका ये विरोध भी नहीं करते हैं। और शासन की बात करें तो शासन का संरक्षण बौद्ध कालीन शिक्षा पर था, शासन का सहयोग मिलता था, उनसे पैसा मिलता था, धन मिलता था, उनके सहयोग से संरक्षण से ही बौद्ध कालीन शिक्षा संचालित थी। अगर वित्तीय व्यवस्था की बात करें तो वित्तीय व्यवस्था जो प्राथमिक शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा निशुल्क और उच्च शिक्षा सशुल्क। उच्च शिक्षा सशुल्क थी और प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी। ये बौद्ध कालीन शिक्षा की कुछ विशेषताएं और व्यवस्था है। आगे हम शिक्षा व्यवस्था ध्यान देते हैं, इसको आप लेना चाहें इसके साथ ले सकते हैं। हम शिक्षा की बात करते हैं, क्या शिक्षा व्यवस्था थी जिसका अध्ययन हमको करना है। बौद्ध कालीन शिक्षा, सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करते हैं, शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के क्या उद्देश्य थे इस पर चर्चा हो जाए। बौद्ध कालीन शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो सबसे पहला जो उद्देश्य था वो था ज्ञान का विकास करना, ज्ञान का विकास करना, ज्ञान का विकास करना, ये प्रथम उद्देश्य था। ज्ञान का विकास करना, प्रसार करना, लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों, ज्ञानी बने, ये पहला उद्देश्य था। दूसरा जो उद्देश्य था वो था सामाजिकता का विकास करना, सामाजिकता का विकास करना। हम सब जानते हैं बिना समाज के व्यक्ति पशुवत हो जाता है। सामाजिक प्राणी बनाना उद्देश्य है, मनुष्य को सामाजिकता का विकास करना, यह हमारा दूसरा उद्देश्य है बौद्ध कालीन शिक्षा का। तीसरा जो उद्देश्य है संस्कृति, संस्कृति का संरक्षण और विकास, संस्कृति का संरक्षण और विकास करना, यह भी उद्देश्य है। तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य जो संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे मूल्य आदर्श है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, उसको प्रसारित करें, सबके बीच ले जाएं, सबको आत्मसात कराएं, तो ये हमारा दूसरा उद्देश्य है। इसके बाद चरित्र का निर्माण करना, चरित्र बल, चरित्र का निर्माण करना, अच्छे चरित्र का निर्माण हो, विकास हो, यह भी उद्देश्य था। चरित्रवान व्यक्तियों को तैयार करना बौद्ध कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। व्यावसायिक शिक्षा, हम रोजगार प्राप्त कराएं, सबको जीवन यापन के लिए तैयार करें, व्यावसायिक शिक्षा का
का विकास करना, व्यवसाय में सब लग जाएं, जीवन यापन करें, यह भी उद्देश्य, और साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रसार करना। इन सब के साथ साथ बौद्ध धर्म दर्शन का प्रचार हो, यह भी आवश्यक था। ये उद्देश्य था, ज्ञान का विकास करना, सामाजिकता का विकास, संस्कृति का संरक्षण और विकास, चरित्र निर्माण, व्यवसायिक शिक्षा का विकास करना और बौद्ध धर्म का प्रचार करना, ये शिक्षा का उद्देश्य था। अगर हम संरचना की बात करें तो शिक्षा की संरचना जो थी वह तीन भागों में विभक्त थी। तीन भाग में शिक्षा विभक्त थी, प्राथमिक, उच्च और भिक्षु। प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा। तीन भागों में शिक्षा मिलती है, प्राथमिक, उच्च और भिक्षु शिक्षा। प्राथमिक जो शिक्षा होती थी वो बौद्ध मठों बिहारों में दी जाती थी, 6 से लेकर 12 वर्ष तक ये चलती थी, 6 से लेकर 12 वर्ष तक मठों बिहारों में ये प्राथमिक शिक्षा 6 से लेकर 12 वर्ष तक मठों में और बिहारों में संचालित होती थी। जो सामान्य रूप से संचालित होती थी, इसको सामान्य व्यक्ति कोई भी इसको ग्रहण कर सकता था, ये सामान्य शिक्षा के रूप में मानी जाती थी प्राथमिक शिक्षा। उच्च शिक्षा, इसके लिए प्रवेश परीक्षा होती थी, ये 12 वर्ष से लगभग 25 वर्ष तक चलती थी, 12 से 24-25 वर्ष प्रवेश द्वारा, प्रवेश परीक्षा द्वारा, इसमें प्रवेश होता था प्रवेश परीक्षा के द्वारा। ये विशिष्ट ज्ञान जिसको प्राप्त करना होता था वो उच्च शिक्षा लेते थे, 12 वर्ष से 24 या 25 वर्ष तक ये संचालित होती थी, 6 से लेकर 12 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा और 12 से लेकर 24-25 वर्ष तक उच्च शिक्षा होती थी। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म का प्रसार करना चाहता था तो उसको विशिष्ट शिक्षा अलग से लेनी पड़ती थी। वो किसके लिए होती थी? धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, धर्म के प्रचार प्रसार अथवा शिक्षा देने के लिए भी अगर कोई जुड़ना चाहता था तो वो भिक्षु शिक्षा लेता था। कब होती थी? उपसंपदा संस्कार होता था, इस संस्कार के फलस्वरूप, उपसंपदा संस्कार के फलस्वरूप उसको भिक्षु बना दिया जाता था। 8 वर्ष होता था, 8 वर्ष विशेष ज्ञान उनको दिया जाता था धर्म के लिए और शिक्षण कार्य के लिए, शिक्षण कार्य हेतु, चाहे वो प्रसार प्रचार करे चाहे शिक्षण कार्य करे, उपसंपदा संस्कार के फलस्वरूप। ध्यान देना है, प्राथमिक शिक्षा तो 6 से 12 वर्ष तक सामान्य व्यक्तियों के लिए थी, सामान्य शिक्षा कही जाती थी, 12 से 25 वर्ष तक उच्च शिक्षा होती थी, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त होने के पश्चात कुछ लोग घर वापस चले आते थे,
लेकिन जिसको भिक्षु बनना होता था उसको उपसंपदा संस्कार के फलस्वरूप उनको 8 वर्ष की और शिक्षा दी जाती थी, विशेष शिक्षा। इसके पश्चात वो भिक्षु बन जाते थे और शिक्षण कार्य करते थे, मठों विहारों में नियुक्त हो जाते थे, समाज में क्षेत्र में निकलकर प्रचार प्रसार भी करते थे। अध्यात्म विद्या उनको दी जाती थी, उनको विशेष प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण बनाया जाता था। इसके पश्चात हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम शिक्षा का पाठ्यक्रम जो निर्धारित था वह 2 भागों में विभक्त था। बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम प्राथमिक और उच्च 2 भागों में विभक्त था, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। क्या क्या पढ़ा जाता था इसको जानना है। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सिद्धरस्तु नामक किताब होती थी, पुस्तक होती थी, सिद्धरस्तु पुस्तक का नाम था, जिसमें 49 अक्षर होते थे। इसी को लिखना और पढ़ना ये ज्ञान कराया जाता था। सिद्धरस्तु पुस्तक थी, ध्यान देना है, इसी को लिखना और पढ़ना सिखाया जाता था। और उच्च शिक्षा जो 12 वर्ष चलती थी, 12 वर्ष के पश्चात इसमें व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन, पाली, पात्रिक, प्राकृत, व्याकरण, धर्म, दर्शन, पाली। आपको बता दें कि ये पाली भाषा बौद्ध शिक्षा की भाषा थी, इसी को ज्यादा पढ़ाने की बात की गई। जैसे हम वैदिक शिक्षा में संस्कृत को ज्यादा महत्व देते हैं, वैसे ही बौद्ध शिक्षा में पाली भाषा को ज्यादा महत्व दिया गया। ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्विद्या भी थी। इसके अलावा संस्कृत, खगोल शास्त्र, न्याय शास्त्र, गणित, राजनीति, अर्थ, अर्थशास्त्र, ये जो विषय है इन सब का अध्ययन होता था। भवन निर्माण, शिल्प कला, तर्क, शिल्प, भवन निर्माण, सभी विषयों का अध्ययन उच्च शिक्षा के अंतर्गत किया जाता था। इसके अलावा धार्मिक क्रियाएं, यह भी उच्च शिक्षा पठन पाठन का अंग था। विशिष्ट ज्ञान जो दिया जाता था, अगर कोई भिक्षु बनना चाहता था भिक्षु शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम जो था, इसके अलावा उसको 8 प्रकार के
ज्ञान और उसको लेना होता था। आठ प्रकार के ज्ञान, कौन कौन से आठ प्रकार के ज्ञान था? इसमें शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा, शब्द, शिल्प, चिकित्सा, हेतु, शब्द, शिल्प, चिकित्सा, हेतु, आध्यात्म, आध्यात्म, ये पांच विद्याएं, पांच प्रकार की विद्याएं, शब्द, शिल्प, चिकित्सा, हेतु, आध्यात्म, इसका अध्ययन और करना होता। ये लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकार की, लौकिक और धार्मिक दोनों ज्ञान दिया जाता। लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान दिया जाता था, भिक्षु शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, तीन प्रकार का पाठ्यक्रम होता था और सब में लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान दिया जाता था। इसके बाद हम शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे। शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी, किन विधियों के माध्यम से पाठ्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता था, उसको अभी हम जान लेते हैं। शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां बौद्धकालीन शिक्षा में जो शिक्षण विधियां प्रमुख रूप से प्रयोग की जाती थी, उसमें अनुकरण विधि, देशाटन विधि, देशाटन विधि, वाद विवाद, जिसमें लोग इकट्ठा होते थे, आपस में परिचर्चा करते थे, दोनों पक्ष, वादी और प्रतिवादी दोनों इकट्ठा होते थे, सम्मेलन, इसमें भी सब इकट्ठा होते थे, विचार विमर्श होता था, सम्मेलन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि का प्रयोग कोई चित्र दिखाना होता था कला के माध्यम से, प्रदर्शन विधि, स्वाध्याय विधि, स्वाध्याय विधि, ये प्रमुख विधियां थी। इसमें जो सामान्य तौर पे भाषा का प्रयोग होता था, माध्यम था, भाषा या माध्यम था, हमने पहले ही बताया कि वह पाली भाषा थी। पाली भाषा वैदिक कालीन में शिक्षा में, संस्कृत और बौद्ध काल में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। प्रायः ये सब जो कार्यक्रम होते थे, ये सब मौखिक होते थे, मौखिक, लेकिन बाद में लेखन का भी प्रयोग होता था, तो इन विधियों का प्रयोग किया जाता था। इसमें जो प्रमुख रूप से बातें रखी जाती थी, वो पाठ्यक्रम में जो चीजें हैं उनको समय और परिस्थिति देखकर आवश्यकता के अनुरूप विधियों का प्रयोग किया जाता था। वस्तुतः किसी नई विधि का प्रयोग बौद्ध काल में नहीं मिलता है। जो विधियां वैदिक काल में प्रसिद्ध थी, जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग बौद्ध वैदिक काल में किया जाता था, उन्हीं शिक्षण विधियों का अनुसरण बौद्ध काल में भी मिलता है। इसके बाद हम अनुशासन की बात करते हैं। अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन कैसा था, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अनुशासन जो था वह काफी कठोर था,
बौद्ध काल में भी वैदिक काल में भी अनुशासन हमको कठोर मिलता है। संघ और मठों के नियमों का कठोरता से पालन करा जाता था। संघ हो या मठ हो का पालन कठोरता से, कठोरता पूर्वक कराया जाता था अनुशासन। सामान्य छात्रों का अवज्ञा संस्कार 10 नियमों का पालन करना होता था, जिसमें सामान्य छात्रों का प्राथमिक शिक्षा में अवज्ञा संस्कार में 10 नियमों का पालन सिखाया जाता। 10 नियमों का पालन। अब बात आती है ये 10 नियम कौन कौन से थे, इसको भी जानना चाहिए। 10 नियम, जिसमें पहला नियम था अहिंसा, चोरी न करना, अशुद्ध आचरण न करना, अशुद्ध आचरण, ये सब नियम थे। सत्य बोलना चाहिए, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना, मादक का विरोध परहेज करना, असमय भोजन नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, असमय भोजन नहीं करना चाहिए, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, निंदा और नृत्य संगीत से बचना चाहिए, नित्य संगीत भी नहीं होना चाहिए, इससे भी बचना चाहिए, और श्रृंगार आभूषण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, श्रृंगार विरोध का मतलब प्रयोग नहीं करना चाहिए, आभूषण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, विरोध के बजाय वर्जित इसको ज्यादा सही है, वर्जित। ये 10 नियम हैं जिनका प्रयोग अवज्ञा संस्कार में कराया जाता था। अवज्ञा संस्कार होता था जिसपे हम आगे अभी चर्चा करेंगे। भिक्षु की शिक्षा लेने वालों को 8 और नियम का पालन करना होता था अनुशासन में। भिक्षु को 8 नियम और इसका पालन करना होता था, ये भी अनुशासन में रखा गया था। महीने में 2 बार कम से कम छात्र और शिक्षक और छात्र महीनों में कम से कम 2 बार इकट्ठा होते थे, ये भी अनुशासन में रखा गया था। कम से कम 2 बार महीने में इकट्ठा होते थे, अपने दोषों को स्वीकार करते थे, गुरु और शिष्य दोनों अपने दोषों को स्वीकार करते थे, और जो भी दंड मिलता था उसको भी स्वीकार करते थे। नियमों का उल्लंघन करने पर, नियम उल्लंघन पर दंड, दंड कैसे मिलता था, जो भिक्षु होते थे उनको संघों द्वारा दंड मिलता था, और जो शिष्य होते थे उनको भिक्षु के द्वारा दंड दिया जाता। तो शिष्य को भिक्षु के द्वारा और भिक्षु को संघों के द्वारा दंड दिया जाता था। 2 बार कम से कम इकट्ठा होते थे महीने में, और उसमें अपने दोष अपनी समस्या को बताते थे, अगर दोष सिद्ध होता था तो उसमें दंड का भी प्राविधान था। छात्र की क्या
दायित्व थे उसको भी हम जान लेते थे। छात्र, छात्र को सामनेर कहा जाता था या श्रमण भी कहा जाता था। परीक्षा में पूछता है श्रमण या सामनेर। इनका दायित्व होता था कि ये गुरु के लिए सामग्री इकट्ठा करते थे, उनके साथ रहते थे, प्रेम पूर्वक पिता तुल्य उनको मानते थे, गुरु का पूरा सम्मान होता था और इसी प्रकार से शिक्षक भी छात्रों को पुत्रवत मानता था और उनको उनकी देख रेख बराबर करता था। मधुर संबंध होते थे, प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाता था। छात्र और शिक्षक का जो संबंध था वह बहुत ही मधुर था, बहुत काल में पवित्र था और जो उस मठ का संघ का जो व्यवस्था थी उसका प्रशासक गुरु ही होता था। शिष्य उसका संपादन करता था, शिष्यों के सहयोग से गुरु उस मठ का सही ढंग से संचालन करता था। हम ये कह सकते हैं कि गुरु और शिष्य दोनों मिलकर संघों का, मठों का बाकायदा भली भांति संचालन करते थे। गुरु की सेवा करने के लिए, उनके लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए छात्र निरंतर प्रयासरत रहता था। जो संस्थाएं थी उन संस्थाओं को मठ या विहार कहा जाता था। संस्थाएं, मठ या विहार संस्थाओं का नाम है। अगर हम कुछ प्रमुख संस्थाओं की बात करें, बौद्ध कालीन शिक्षा संस्थाओं की बात करें, इसमें तक्षशिला का नाम आता है, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी जो गुजरात में है, नालंदा बिहार में है, विक्रमशिला जो मगध में है, विक्रमशिला मगध में है, वल्लभी गुजरात में है, नालंदा बिहार में, तक्षशिला इसमें पाकिस्तान में माना जाता है, सारनाथ वाराणसी के पास, नदिया बंगाल में है, बंगाल, इसके अलावा जगत्तला ये भी बंगाल में है, जगत्तला मिथिला कांची दक्षिण भारत और ओदनपुरी भी है जो कि दक्षिण भारत का शिक्षा केंद्र था। ये तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, सारनाथ, नदिया, जगद्दला, मिथिला, कांची, ओदनपुरी ये सब बौद्ध कालीन शिक्षा संस्थाएं हैं। गुरु शिष्य एक दूसरे के आचरण पर ध्यान देते थे। बौद्ध काल में इन शिक्षण संस्थाओं का संचालन प्रशासक मुख्य रूप से गुरु ही होता था। बिना शिष्य के यह संचालन करना संभव नहीं था, इसलिए पूरा सहयोग लेते थे शिष्यों का और शिष्य भी गुरु का बाकायदा भली भांति सहयोग देते थे। दोनों एक दूसरे का आचरण सम्मान पर ध्यान देते थे। ये जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें हमने पवज्जा संस्कार की बात की, उपसंपदा संस्कार, भिक्षु को शिक्षा देने के लिए संस्कार होता था। जब उच्च शिक्षा ग्रहण करके सामान्य शिक्षा के पश्चात उच्च शिक्षा ग्रहण करके जब बालक व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था
तो वो या तो प्रवेश करने के लिए चला जाता है या भिक्षु बनना चाहता था। तो भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार 25 वर्ष के पश्चात होता था, और पवज्जा संस्कार उस मठ में प्रवेश करने के लिए होता था जिसमें परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। उपसंपदा संस्कार और पवज्जा संस्कार, तो पवज्जा संस्कार के विषय में भी हम लोग जान जाते हैं। पवज्जा संस्कार, पवज्जा संस्कार सामान्य रूप में जो इसका अर्थ है, उसका जो भाव लगाया जाता है वह है बाहर जाना, बाहर जाना, घर से बाहर जाना, अर्थात मठों में और संघों में जाना। ये पवज्जा संस्कार, पवज्जा का अर्थ है, जो कि 6 से 8 वर्ष की उम्र में होता था। 6 वर्ष से 8 वर्ष की उम्र में पवज्जा संस्कार होता था। इसमें बालक घर से बाहर साथ गुरु की शरण में जाता था, जिसको सामने या श्रवण कहा जाता था। इसमें शरण त्रयी, शरण त्रयी ध्यान देना है, शरण शरण त्रयी का वाचन कराया जाता था इस संस्कार में, पवज्जा संस्कार में, जिसमें बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये शरण त्रयी था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस शरण त्रयी के द्वारा 6 से 8 वर्ष के बालक को पवज्जा संस्कार कराया जाता था। इस संस्कार के फलस्वरूप बालक उस मठ में प्रवेश करता था, उसकी सामान्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती थी। उपसंपदा संस्कार की बात होती है तो वह 24-25 वर्ष के पश्चात होता था, और जिस व्यक्ति को भिक्षु शिक्षा लेनी होती थी वही इस शिक्षा, इस संस्कार को करता था, उपसंपदा संस्कार को करता था। उप संपदा संस्कार, ये दोनों में अंतर भी है जो 24 से 25 वर्ष के पश्चात भिक्षु बनने हेतु, भिक्षु बनने हेतु इसको करते थे। जिसको भिक्षु बनना होता था वो उप संपदा संस्कार कराता था, अन्यथा वो उच्च शिक्षा ग्रहण करके 24 वर्ष के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। ये जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है, इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है कि यह शिक्षा सभी व्यक्तियों के लिए थी, अर्थात ये पूरी शिक्षा व्यवस्था लोकतांत्रिक थी। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक शिक्षा की बात होती है कि ये लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था अगर सबसे पहले मिलती है तो बौद्ध काल में मिलती है। इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं था, सबके लिए दरवाजा खुला था, कोई भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता था, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो। जबकि वैदिक काल में शूद्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बौद्ध काल की सबसे बड़ी विशेषता थी कि यह सबके लिए, चारों वर्णों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है, चाहे उच्च कुल का हो, चाहे निम्न कुल का हो, बिना भेदभाव के शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसीलिए हम लोकतांत्रिक शिक्षा की बात होती है तो बौद्ध शिक्षा की बात होती है। सर्वप्रथम नए नए विषय, चिकित्सा, आयुर्विज्ञान सब कुछ हमको देखने को मिलता है बौद्ध काल में, ये शिक्षा की देन है। इस प्रकार से हमने बौद्ध शिक्षा का अध्ययन किया। अगले टर्न पर हम एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इसको, इसका जो दर्शन है, धर्म है,
उसका भी अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।